कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को एकदम पूरा परेशान करके रख दिया चील। आज एकदम महाराज जी को लग रहा है हालत खराब कर देगी। ए बाप, तीन चार ठो चील देखिए, ये देखिए, और महाराज जी के पीछे सब पड़ गया है चील। बचाओ बचाओ, इतना चील एकदम महाराज जी के पास जाता है। बचाओ, ये देखिए एकदम। आज जाइए महाराज आप घर जल्दी। अब हमको घर जाना होगा, हमको चील छोड़ेगा नहीं आज। सिर्फ आप ही के पीछे कह रहता है महाराज। अब देखिए थोड़ा दूर चल गया है। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कोमल कुलदीप ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो हम लोग भी ठीक है दोस्तों। और देखिए अभी हम लोग खेत तरफ आए हुए हैं, पूरा धूप है और धूप में आए हम लोग पूरा खेत तरफ बकरी चराने। हाँ, अभी बकरी लोग को खूट दिए हैं दोस्तों, और बकरी लोग चर रही है। और अभी हम लोग ब्लॉगिंग शुरू किए हैं। आज काम था घर में तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाया था, तो अभी शाम में टाइम मिला है हम लोग को, तभी खेत तरफ आए हैं। और नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, पूरा हरा भरा है चारों तरफ, काफ़ी अच्छा है हमारा गांव, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है। अभी पानी भी आया हुआ है ना, इसीलिए भी पूरा देख लीजिए चारों तरफ एकदम हरा हरा नज़ारा आ रहा होगा दोस्तों। और देखिए डुगू बुगू उधर खेल रहा है, देखिए मट्टी में आया है और मट्टी मट्टी खेल रहा है। सो अभी दिखाते हैं डुगू बुगू को दोस्तों कैसे खेल रहा है। सो ये देखिए डुगू बुगू क्या कर रहा है। डुगू बुगू हाय कर दो। हाय करो डुगू बुगू। देखिए हाथ हिला दे रहा है, मतलब आप लोग समझ जाइए कि हाय कर रहा है। और मट्टी को कोड़ रहा है, यहाँ पर बहुत सारा मट्टी ढेर आया हुआ है दोस्तों। तालाब उधर कोड़ा रहा था, तो वही तालाब से निकला हुआ मट्टी को यहाँ ढेरिया दिया गया है, और वही मट्टी को अभी कृषु कोड़ रहा है। और इसी में देखिए हम लोग का ये नाला है, छोटा नाला, और इसमें देखिए पानी अभी आया हुआ था, तो देखिए वहाँ पानी भी जमा हुआ है, सूख गया था, फिर बीच बीच में पानी आया दोस्तों, इसीलिए पानी अभी नाला में दिख रहा है। और बकरी सब को देखिए खूट दिए हैं, एकदम चर रहा है मस्ती से एकदम बकरी सब। चार गो बकरी है दोस्तों, देखिए तीन गो उधर और एक इधर, चार गो खूट दिए हैं दोस्तों। और अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं, अभी देख लीजिए डुगू बुगू और डुगू बुगू का मम्मी बैठी हुई है। और क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं पूरा खेत में हरा हरा है, क्योंकि खेत में पूरा पानी है और धान वाला घास निकल गया है, धान खेत में जो रहता है घास वगैरह वो सब, इसीलिए पूरा हरा हरा लग रहा है। देखिए खेत में क्या मस्त गाय भी खूटा हुआ है, सब कोई चर रहा है दोस्तों अभी। तो अभी हम लोग कुछ देर चराते हैं छगरी दोस्तों, बैठ के मस्ती से और आनंद लेते हैं इधर प्राकृतिक नज़ारा का। अच्छा लगता है इधर खुला जगह में बैठने में। बचाओ ये मम्मी, मम्मी बचाओ, ये क्या हुआ, ये देखिए क्या चील उड़ रहा है दोस्तों। और ये हमको नोचने के लिए आ रही है, ये सब मुड़ी में मेरा नोचती है दोस्तों, दोनों उड़ उड़ के आती है, ये देखिए दोनों मंडरा रही है। ये सब बहुत निडर है, आदमी लोग का माथा में नोच देता है दोस्तों, उड़ के आता है और ऊपरे ऊपरे नोच के उड़ के भाग जाता है, तो ये लोग से सावधान रहना पड़ता है। हम लोग डर से छुप गए इधर। नोचता है ना कोमल? हाँ। हमको कई बार नोचा है, हो गया 8-10 बार तो हो गया होगा। खून निकलता है कि नहीं? निकाल लेता है, इसीलिए तो डर लगता रहता है हमको। तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोग के गांव में भी ऐसा चील लोग करता है क्या, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, वो भी आएगा ऊपर में चील ना। इन लोग को हम खाने के लिए मांस भी दिए थे, लेकिन फिर भी नोचता है। वहीं पर ही पेड़ जब तक रहेगा तब तक भागने नहीं। अब जो आम का पेड़ नजर आ रहा है दोस्तों, इसी में उन लोग का घोंसला है और भागने का नाम ही नहीं लेता है। तीन चार जो है वो लोग उड़ते रहता है, और यहाँ पर वसिंदा बसा लिया है एकदम, यहाँ से 10-12 साल से है ना कोमल? अब हम कह जाने, हमको मेरा 2 ही साल हुआ है शादी। 10-12 साल से है, और हम ही को नहीं दोस्तों, और भी लोगों को, गांव के लोगों को नोचता है।
और उसी आम का पेड़ में रहता है। बचाओ ये मम्मी, मम्मी बचाओ, ये क्या हुआ? यही पेड़ है, पेड़ जब तक नहीं हटेगा तब तक ये सब यहीं आके रहेगा। चील छोड़ने वाला नहीं है हमको, ये फिर आया। अभी जाके उधर बैठ गया है ना महाराजू, वही पेड़ में जाके बैठ जाता है। और हम लोग बकरी सबको इधर खूटे थे, वो सब भी भाग गया है एकदम खुल खुल के। बकरी तोड़ दिया और इधर चर रहा है, देखो चील से बकरी लोग को भी डर लगता है ना, इसलिए तोड़ दिया रस्सी जिसमें खूटे थे और अभी इधर चर रहा है बकरी सब। तो अभी चील हमको झपट्टा मार रहा है दोस्तों, मुड़ी में नोचता है। तीन चील है और देखिए इस आम के पेड़ में बैठा हुआ है और गगा रहा है अभी चीची चीची। हमको डर लगने लगा और अब शाम भी होने वाला है तो अब हम घर जाएंगे दोस्तों। डर लग रहा है, अब बकरी सबको चरल भी हो गया, सब रस्सी तोड़ दी है, अब थोड़ा सा और चराएंगे और फिर घर ले जाएंगे का कोमल। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, बाय बाय।